हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अक्सर ये लोगों को वहम हो जाता है कि हम लोग 4:30 आने वाले हैं, बट ये आजकल चेंज हो चुका है, दैट इज टाइमिंग हो चुकी है 4 बजे। सो दिस इज गाइस श्वेता ऑन द वेदिकन यूट्यूब चैनल। अब से आपको मिलेंगे सिर्फ 4 बजे, और 4 बजे से हम फिर वही काम करते रहेंगे, अपना idioms and phrases जो फिलहाल कर रहे हैं। तो पूरे एक्टिव हो जाओ, पूरे एनर्जी के साथ लाइक करो, शेयर करो और स्माइल तो पक्का करो, बेल आइकन को भी प्रेस करो। और फिर चलो शुरुआत करते हैं, आज टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं फर्स्ट idiom से। फर्स्ट idiom क्या कहता है? टू पिक अ बोन विद समवन। भाई हालात गंभीर है, हमारी लड़ाई हो गई है, हम हड्डी हड्डी का हिसाब ले रहे हैं, दैट इज हम पाई पाई का हिसाब लेते हैं ना, यहाँ पर हम हड्डी हड्डी का हिसाब ले रहे हैं, दैट इज सामने वाले से लड़ रहे हैं। टू पिक अ बोन, जिसे हम बोलते हैं ना बोन ऑफ कंटेंशन। अब बोन ऑफ कंटेंशन क्या होता है कि रीजन फॉर क्वारल, दैट इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर पिकिंग अ बोन फॉर समवन विद समवन। वी आर पिकिंग अ बोन विद समवन का मतलब क्या होगा कि हम सामने वाले से लड़ रहे हैं, उससे डिसएग्री है, उसके साथ डिस्प्यूट में है। तो मीनिंग क्या होगा, मैं क्लियर लिख रही हूँ, दैट इज टू पिक अ बोन विद समवन का मीनिंग क्या होगा, टू डिस्प्यूट, यानी क्या है, उसके साथ डिस्प्यूट है और हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ लड़ाई कर रहे हैं, नहीं एग्री हो रही भाई का बात, कई बार नहीं होती बात, नहीं बनती तो बात नहीं बन रही है, दैट इज टू पिक अ बोन विद समवन। एग्जांपल ले लो, यू शुड नॉट पिक अ बोन विद हिम ओवर पेटी मैटर्स, यानी क्या कर रहे हो आप लोग, उसके साथ आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए, छोटे छोटे चीजों को लेकर छोड़ देना चाहिए, कई बार बड़ा दिल करके माफ भी कर देना चाहिए। ठीक है भाई, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड वन इज बाय डिंट ऑफ, जहां पर भी ये वर्ड दिख जाए ना, बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ का मीनिंग होता है बाय मींस ऑफ, यानी उस तरीके से उसने ये काम कर लिया। अब जैसे आप सीजीएल क्रैक करोगे तो आपने वैदिकन यूट्यूब चैनल ऑप्ट किया, दैट इज बाय द मींस ऑफ, बाय द डिंट ऑफ वैदिकन यूट्यूब चैनल यू क्लियर योर सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम। तो बाय डिंट ऑफ का मीनिंग क्या हुआ, बाय मींस ऑफ, यानी इसकी हेल्प से, इस तरीके से आपने क्या कर लिया, सीजीएल क्लियर कर लिया। तो मीनिंग मैं लिख रही हूं, बाय डिंट ऑफ का मीनिंग क्या होगा, बाय मींस ऑफ, बाय मींस ऑफ, बाय मींस ऑफ। एग्जाम्पल देखो, रेखा गोट फर्स्ट पोजीशन बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, यानी रेखा ने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर कर ली बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, बाय मींस ऑफ हार्ड वर्क। थर्ड पे चलते हैं, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड वन इज फिफ्थ कॉलमनिस्ट। अच्छा, ये थोड़ी सेंसिबल सी बात है, दैट इज फिफ्थ कॉम्युनलिस्ट। फिफ्थ कॉम्युनलिस्ट हम उन लोगों को बोलते हैं जो अपनी कंट्री के लिए काम ना करे, दूसरों के लिए काम करे, दैट इज दे आर हमारे और उनके रिलेशन, खुद वो इंडिया के होंगे लेकिन काम किसके लिए करेंगे, बाहर किसी देश के लिए, बाहर किसी कंट्री के लिए करेंगे। यानी मीनिंग क्या होगा, वन हु वर्क अगेंस्ट हिज ओन कंट्री, जो अपनी कंट्री के खिलाफ काम करेगा, दैट इज फिफ्थ कॉलमनिस्ट। दैट मीनिंग क्या हुआ कि अपने कंट्री के इंटरेस्ट को छोड़कर वो बाहर किसी दूसरी कंट्री के इंटरेस्ट के लिए काम करे। तो उन लोगों को हमने कौन से स्लैब पे रख दिया, हमने फिफ्थ स्लैब पे रख लिया। आप इसको ऐसे याद कर लो, फिफ्थ कॉलमनिस्ट का मीनिंग क्या होगा, वन हु वर्क, वन हु वर्क्स अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिज ओन कंट्री, यानी अपनी कंट्री के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करे, दैट इज फिफ्थ कॉलमनिस्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, द फोर्थ वन क्या कह रहा है, टू कास्ट अ स्लर अपॉन। टू कास्ट अ स्लर अपॉन का मतलब क्या होगा, टू बीइंग डिसक्रेडिट। स्लर का मीनिंग होता है किसी भी वर्ड को गलत तरीके से बोलना या फिर उसका मीनिंग गलत कर देना, दैट इज स्लर। स्लर यानी किसके लिए यूज हुआ, मिस्टेक के लिए यूज हुआ। अब क्या कर रहे हैं, टू कास्ट अ स्लर अपॉन का मीनिंग क्या है कि आप लोग, आपके ऊपर से विश्वास खो दिया जा रहा है, आपके ऊपर से विश्वास लोग कम कर रहे हैं, यानी आप डिसक्रेडिट हो रहे हो। डिसक्रेडिट, आपने इतनी अपने बैंक में डिपॉजिट करवा के रखे, ट्रांजेक्शन भी कम करी, आपने लोन भी लिया, बट उसके बाद भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्योंकि आपने एक ऐसी गलती कर दी जो बैंक वालों ने पकड़ ली। तो आप क्या करोगे, टू कास्ट द स्लर अपॉन, यानी आप पे अब विश्वास खत्म हो रहा है लोगों का। बैंकक्रप्ट जो हो जाते हैं वो भी तो ऐसे ही होते हैं, उन पे विश्वास खत्म हो, इसलिए उनको बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया जाता है। तो टू कास्ट स्लर अपॉन का मीनिंग क्या होगा, टू बीइंग डिसक्रेडिट। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, टू बीइंग डिसक्रेडिट,
आपको जाने थे एक पार्टी में और आपने अपने घर वालों से परमिशन नहीं ली और आप पकड़े गए उस पार्टी में, दैट इज बाय द बीइंग्स ऑफ टू कास्ट अ स्लर अपॉन, यानी आपने क्या कर दिया, विश्वास खो दिया, दैट इज टू कास्ट अ स्लर अपॉन. आगे देखो नेक्स्ट हमें क्या कहता है, टू फॉलो सूट. टू फॉलो सूट का मीनिंग क्या है, फॉलो सूट का मीनिंग है कि आप किसी चीज का एग्जाम्पल फॉलो कर रहे हो. वॉरेन बफे का नाम सुना होगा, अब वॉरेन बफे की लोग बायोग्राफी पढ़ते हैं, उनका फॉलो करते हैं, महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं, तो आप क्या कर रहे हो, फॉलो सूट, यानी क्या कर रहे हो, किसी भी पर्सन का, किसी भी चीज का क्या कर रहे हो, हम एग्जाम्पल फॉलो कर रहे हैं, दैट इज टू फॉलो सूट, सॉरी फॉलो सूट मीनिंग क्या होगा, दैट इज टू फॉलो एग्जाम्पल ऑफ, यानी किसी चीज का हम जो एग्जाम्पल फॉलो कर रहे हैं, दैट इज टू फॉलो सूट. एग्जाम्पल देखो, द लीडर लेफ्ट द मीटिंग, अदर फॉलो सूट, यानी क्या है, लीडर ने मीटिंग छोड़ दी तो जो बाकी जो उसके मेंबर्स थे दे फॉलोड सूट, यानी उन्होंने भी ऐसा ही किया. तो मीनिंग क्या होगा, टू फॉलो एग्जाम्पल ऑफ, टू फॉलो सूट का मीनिंग क्या होगा, टू फॉलो एग्जाम्पल ऑफ, टू फॉलो एग्जाम्पल ऑफ. आगे देखो, आगे क्या कहते हैं, फिफ्थ वन, सॉरी सिक्स्थ वन इज गॉड सेंट. अब भाई ये तो भगवान ने ही भेज दिया है, गॉड सेंट, यानी भगवान ने भेज दिया है और आपके घर आ टपका है, यानी आपने उम्मीद नहीं की थी कि ये गेस्ट भी आ जाएगा, यानी बिन बुलाया मेहमान जो होगा, दैट इज गॉड सेंट, यानी अनएक्सपेक्टेड वेलकम गेस्ट, यानी अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ चुका है और जिसको आपने वेलकम नहीं किया, दैट इज अनएक्सपेक्टेड वेलकम गेस्ट, यानी गॉड सेंड है, भगवान ने भेज दिया, भगवान के घर से तोहफा आया तो आप लोग खुश रहो उसको लेके. मीनिंग क्या, गेस्ट नहीं, कोई भी इवेंट, अगर मैं सिर्फ गेस्ट की बात करूंगी तो वो गलत हो जाएगा, कोई भी इवेंट जो हुआ है दैट इज, यानी वो गॉड सेंड हो गया, वो हमने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, तो मीनिंग मैं लिख रही हूं अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड वेलकम इवेंट, वेलकम इवेंट, यानी वो हो चुका है, आपने कोई उम्मीद भी नहीं की थी. आगे देखो सेवंथ वन क्या कहता है, टू ग्रैपल विद. टू ग्रैपल विद मतलब ग्रैपल क्या कर लिया आपने, उसको ऑब्जर्व कर लिया, आप उसको सोल्व करने के लिए कैपेबल हो, दैट यू आर ग्रैपल, यू हैव ग्रैपल दैट एंड यू आर कैपेबल फॉर टू सॉल्विंग दैट. तो ग्रैपल करके आपने टैकल कर लिया, दैट इज आपने उसको सोल्व कर लिया, आपने कोई गुत्थी भी वो क्या कर ली, सुलझा ली. तो टू ग्रैपल विद का मीनिंग क्या हुआ, टू टैकल, यानी क्या कर लिया, सोल्व कर लिया, दैट इज टू टैकल, ग्रैपल टैकल याद कर लो, ऐसे ही हो जाएगा. नेक्स्ट देखो, एट वन इज एन आयरन हैंड. एन आयरन हैंड क्या कहता है, एन आयरन हैंड, आपने एन आयरन विल सुना होगा, एक स्ट्रॉन्ग विल जिसको बोलते हैं. आयरन का मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज को अगर हमें स्ट्रॉन्ग दिखाना है, एन आयरन मैन भी सुना होगा, तो अ पर्सन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर, दैट इज एन आयरन मैन. और एन आयरन हैंड का मीनिंग क्या है, वही है, दैट इज अ स्ट्रिक्ट मैन, जो आदमी बहुत सख्त होते हैं, या फिर जो स्ट्रॉन्ग मैन बोलू, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग मैन विद स्ट्रिक्टनेस, दैट इज एन आयरन हैंड. तो मीनिंग में लिख रही हूं, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, अ स्ट्रॉन्ग मैन विद स्ट्रिक्टनेस, विद स्ट्रिक्टनेस. अब जितने भी आर्मी से रिलेटेड लोग होंगे, दैट इज एन आयरन हैंड. लास्ट वन देखो, लास्ट वन क्या कहता है, लैक लस्टर. लैक लस्टर का मीनिंग क्या है, कि लैक क्या मतलब होता है, कमी, और लस्टर क्या होती है, चमक. अब क्या है, कोई भी चीज में कमी है, दैट इज लैक लस्टर, यानी वो क्या है, वह डल होगा. सिंपली मीनिंग है, लैक लस्टर का मीनिंग क्या है, डल. अगर आपने पढ़ रखा है ना, आप में पूरी नॉलेज है, पूरा सब कुछ आता है, तो आपकी चमक क्या होगी, बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी. लेकिन लैक लस्टर का मीनिंग क्या है, यानी डल है, दैट इज डल. एग्जाम्पल लू तो मैं, एग्जाम्पल है, स्टूडेंट स्टार्टेड यर्निंग ड्यूरिंग द लेक्चर लैक लस्टर डिलीवर्ड बाय मिस्टर रोहित. तो स्टूडेंट को कैसा फील हुआ था, दैट इज डल फील हुआ था, क्योंकि उनके एक ऐसे टीचर ने लेक्चर डिलीवर किया था, दैट वॉज नॉट कैपेबल. तो गाइज, आज सब हम सब ने ये सारी इडियम्स की है, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत इंजॉय किया हमने. उम्मीद है आपसे कल फिर मिलते हैं, कल फिर 4 बजे मिलते हैं, और कल कुछ और मस्त मस्त इडियम्स करेंगे. इसी के साथ प्लीज लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, मैं आपको डेली 4 बजे यही मिलूंगी. तो प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस करना, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस. इसी के साथ टिल देन टेक केयर, बाय बाय.